हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील सर की पाठशाला में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 पार्ट थर्ड वीडियो का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा सीखा था, प्लस फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। पार्ट सेकेंड में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक किए थे, और पार्ट थर्ड में हम जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए एक्सरसाइज के उनके बारे में डिस्कस करते हैं करेंगे। और तो आइए करते देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आइडेंटिटी। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होगा बुक में, तो ये 61 नहीं है, ये 6 आइडेंटिटी है। इफ A इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास A दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या कर सकते हो, या तो पहले A स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकालो। मान लो हम A स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, तो इसको लिखेंगे A इंटू A। A है हमारे पास 201 213 1 माइनस 1 और 0। इसी तरह से यहां पे 201 213 1 माइनस 1 और 0। तो इस तरह से हम एरो का निशान लगा देते हैं ताकि गलती के चांसेस काफी कम हो जाएं। 2 की 2 के साथ 4 प्लस 0 0 प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट 0 प्लस, यहां से भी 0 प्लस, यहां पे माइनस 1, तो ये हो जाएगा टोटल माइनस 1। नेक्स्ट हो जाएगा 2 प्लस 0 और प्लस 0, 0 प्लस 0। इसी तरह से सेकंड रो पे आ जाते हैं, 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3, सेकंड पे 0 1 और माइनस 3, 0 1 और माइनस 3। नेक्स्ट 2 3 और 0, 2 प्लस 3 प्लस 0। थर्ड रो पे आते हैं 2 माइनस 2 और 0, 2 माइनस 2 और 0। नेक्स्ट 0 माइनस 1 और 0, 0 माइनस 1 और 0। नेक्स्ट 1 माइनस 3 और 0, 1 माइनस 3 और 0। तो ये हो जाता है हमारे पास 415 माइनस 1 और ये 2, 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये 5, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 और माइनस 2। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम इसको कंप्लीट लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं, 5 माइनस 1 2 3 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 इंटू ए। ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, और प्लस 6 इंटू आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आइडेंटिटी 3 नहीं कहा उसने, आइडेंटिटी लिखा है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उसी कॉन्टेक्स्ट की हमने आइडेंटिटी ले ली है। अब यहां से 5 माइनस 1 2 3 माइनस 2 5 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहां प्लस लिख दोगे, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां प्लस लिख दोगे, और अगर प्लस 5 से कर रहे हो तो बाहर माइनस कर दोगे। अब यहां से हम चलो 5 से कर लेते हैं, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 और 6 11 माइनस 1 और 0 माइनस 1, ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बस डायगोनल एलिमेंट का फर्क पड़ेगा, 3 माइनस 2 और प्लस के 6 4, यहां पे 5 यहां पे 1 यहां पे माइनस 1 और माइनस 2 और प्लस के 6 ये 4 हो जाएगा। माइनस 10 0 5 10 5 15
और 5 माइनस 5 0। अब यहां से हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 10 1 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 0 तो माइनस 1 ही रहेगा, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 10 माइनस 7 और 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 1 प्लस हो गया, माइनस 1 प्लस 5 4 और 4 माइनस 0 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल हमने स्केल कैलकुलेट किया और कॉरेस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन में ए गिवन है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, प्रूव करना है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 220 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। बिल्कुल सेम स्टेप चलेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा। इसके लिए अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, ए क्यूब, ए स्क्वायर की और ए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। अब वो सारा का सारा काम कहां, हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके, जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड में उसको पुट करके सॉल्व कर देंगे और वो लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 0 0 0, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैट्रिक्स ए गिवन है 3 माइनस 2 4 और माइनस 2 और आइडेंटिटी 1 0 0 1, बताने की भी जरूरत नहीं थी, आइडेंटिटी हमें यही लेनी पड़ती। के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए, ए है हमारा 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, यहां पे भी 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, दैट इज के, ए है हमारा 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, माइनस 2 आइडेंटिटी है 1 0 0 1। अब फिर हम एरो का साइन लगा लेंगे और इसको देखते हैं क्या बनता है, इसके इसके साथ 9 और माइनस 8, नेक्स्ट माइनस के 6 और प्लस के 4, 12 माइनस 8 माइनस 8 और प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनus 2 0 0 2। तो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, यहां पे 4 और यहां पे -4, दैट इज इक्वल टू 3k माइनस 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, 3k माइनस 2 और ये -2k, ये 4k और ये -2k माइनस 2, क्योंकि बीच में जो साइन है वो क्या है, माइनस है। अब हम इक्वेट कर देंगे, मींस इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं, तो 3k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 k इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर है, वेरीफाई कर लेते हैं कहीं हमारी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना होगी हो। तो अब सेकंड पार्ट को इक्वेट करके देख लो, -2k इज इक्वल टू -2, 2k इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 k इज इक्वल टू 1, तो ठीक है हमारा जो आंसर है वो ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 k इज इक्वल टू 1 यहां से भी। और इसके साथ इक्वेट करके देखते हैं, -2k माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -4, -2k इज इक्वल टू -4 प्लस 2, -2k इज इक्वल टू -2, 2k इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू 1। तो ठीक है हमारा बिल्कुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 0, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2, मींस 2 क्रॉस 2, देन शो दैट आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड देखी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0 1, प्लस ए है हमारे पास 0 माइनस
टेंजेंट अल्फा बाय टू, टेंजेंट अल्फा बाय टू और जीरो, तो हमने इसको प्लस कर दिया तो कितना आ गया वन माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू और यहां पे टेंजेंट अल्फा बाय टू और इधर से वन, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो इसे क्या हुआ तो ये मिला हमें। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड है हमारे पास आइडेंटिटी माइनस ए और साथ में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा आइडेंटिटी वन जीरो जीरो वन माइनस ए जीरो माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू, टेंजेंट अल्फा बाय टू और जीरो, और इससे जो मिलेगा, इससे जो मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई कर रही है हमें कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा के साथ, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। अब हमने यहां पे जब इन दोनों को माइनस किया तो वन माइनस जीरो वन, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो टेंजेंट अल्फा बाय टू, दिस माइनस दिस माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू और वन माइनस जीरो कितना आ जाएगा वन, तो ये आ गया हमारे पास। और इधर है हमारे पास ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब आप एक बात ध्यान से देखें, अगर हमने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमने अगर सेकंड मैट्रिक्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई की तो ऐसा आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि आंसर में सिर्फ टेंजेंट अल्फा बाय टू है और यहां साइन अल्फा और कोस अल्फा भी है। इट मींस हमें साइन अल्फा को और कोस अल्फा को चेंज करना पड़ेगा हमारे पास, और हमारा आंसर किसमें आ रहा है टेंजेंट में। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन टू ए का, टेंजेंट की फॉर्म में टू टेंजेंट ए डिवाइड बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर। इसी तरह से कोस टू ए का होता है वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए और वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इससे हमारे पास साइन अल्फा का फॉर्मूला जितना एंगल है उसका हाफ ले गए, उसका हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू टेंजेंट अल्फा बाय टू और ये वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू, और ये कोस अल्फा का हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू और ये वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू। तो साइन अल्फा और कोस अल्फा की जगह पे ये हम पुट कर देंगे। देखो हमारा आंसर टेंजेंट अल्फा बाय टू ही है, हमारी टर्म्स हैं जो वो सारी किसमें चली जाएगी, टेंजेंट अल्फा बाय टू की फॉर्म में चली जाएगी। तो हमारे पास जो हमारी राइट हैंड साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी देखते हैं। यह है हमारे पास वन टेंजेंट अल्फा बाय टू माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू और वन, और ये हो जाएगा हमारे पास पहले है कोस, तो वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू। उसके बाद है माइनस साइन, तो माइनस टू टेंजेंट अल्फा बाय टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू। उसके बाद है साइन, तो ये हो जाएगा टू टेंजेंट अल्फा बाय टू वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू, और कोस के लिए वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू और ये वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू। अब हमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें जो डिनोमिनेटेड टर्म है सेकेंड मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की डिनोमिनेटेड टर्म वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू है, तो कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे बार बार बटे वाली टर्म आएगी, फ्रैक्शनल टर्म आएगी, तो हम क्या करते हैं
इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर डिवाइड में, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 को हमने बाहर ले लिया बिल्कुल शुरू में, तो 1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1, और यहां पे हमारे पास रह गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ी आसान हो जाएगी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट हैंड साइड है हमारी वो हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखते हैं भाई 1 किसके साथ करेंगे, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसकी इसके साथ होगी। अब इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये कंप्लीट हो गया एक पार्ट हमारा, इसकी हमने इसके साथ की और इसकी इसके साथ की तो कुछ ज्यादा हो गया। 1 किसके साथ की तो ये आ गया और टेंजेंट अल्फा बाय 2 किसके साथ की तो ये आ गया, तो ये नहीं था एक ही पार्ट था, इसकी इसके साथ प्लस इसकी इसके साथ। अब यहां से इसकी इसके साथ करेंगे माइनस 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2 और प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय 2। सेकेंड रो पे आ जाते हैं माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय 2 इसकी इसके साथ होगी प्लस इसकी इसके साथ प्लस का 2 टेंजेंट अल्फा बाय 2। अब इस पर आ जाते हैं ये हो जाएगा माइनस वन प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसकी इसके साथ करते हैं माइनस 2 टेंजेंट प्लस के 2 टेंजेंट स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो यहां से देखिए 1 माइनस 2 ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 रह गया, यहां से अगर देखें तो ये हो गया टेंजेंट अल्फा बाय 2 विद माइनस साइन, ये प्लस माइनस के 2 है प्लस का 1 है माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय 2। नेक्स्ट प्लस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय 2 और यहां से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 यहां है, यहां है तो कट के 1 आ जाएगा जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड देखो ये ऐसी है, इसी तरह से ये भी कट के 1 आ जाएगा। समस्या रहेगी यहां पे आ रहा है माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, हमारा भी तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 कॉमन आ रहा है और यहां से टेंजेंट अल्फा बाय 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल देते हैं एक बार पहले 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हो गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 अंदर आ गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 यहां पे टेंजेंट अल्फा बाय 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2 और ये टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, ये माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2 रह जाएगा, ये टेंजेंट के अल्फा बाय 2 रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो अगर हम 1 को और 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो जाती है, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं, हमारे पास ए गिवन था, आई भी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और हमें ये प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी प्लस ए, आइडेंटिटी और ए की वैल्यू लिखी दोनों को प्लस कर दिया एक पार्ट हो गया। राइट हैंड साइड हमने लिखी आइडेंटिटी माइनस ए इंटू जो मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी की वैल्यू रखी ए की वैल्यू रखी
और जो मैट्रिक्स है वो भी लिख दी, तो इन दोनों को माइनस किया ये बन गया। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा इस फॉर्म में नहीं आ सकता। तो हमने साइन और कोस को टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कौन से भाग का यूज करके, साइन टू ए और कोस टू ए जो फॉर्म में हमारे उनको यूज करके कन्वर्ट कर दिया। तो हमने साइन और कोस को कन्वर्ट कर दिया टेंजेंट की फॉर्म में। अब मल्टीप्लाई करने से पहले हमने देखा कि डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है वो सेम है, तो हमने कॉमन निकाल लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमारे पास ये टर्म है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। वन की इसके साथ की तो वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू, और टेंजेंट अल्फा बाय टू भी टू टेंजेंट अल्फा बाय टू के साथ की तो टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए वन की माइनस टू टेंजेंट अल्फा बाय टू के साथ ये आ गया हमारे पास, टेंजेंट अल्फा बाय टू किसके साथ करनी है, तो टेंजेंट अल्फा बाय टू माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय टू। फर्स्ट रो कंप्लीट होगी हमारी, सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो के लिए हमें इसकी इसके साथ करनी है, तो कितना बनेगा माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू, वन के साथ करेंगे तो माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू, और माइनस माइनस क्रॉस हो गया तो प्लस के टेंजेंट क्यूब अल्फा बाय टू, और इसकी इसके साथ की तो टू टेंजेंट अल्फा बाय टू। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू टेंजेंट अल्फा बाय टू, और वन की इसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास ये बना, यहां से इसकी जब अंदर लेके जाएंगे तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो ये तो आ गए, ये दोनों रह गए। तो इसका मतलब जब इसके इससे इसको डिवाइड करेंगे या पूरे से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू बनना चाहिए, बाकी का कट जाना चाहिए। तो वही है बिल्कुल, माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू हमने जब कॉमन लिया तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा आ गया, यहाँ टेंजेंट अल्फा बाय टू जब हमने कॉमन लिया तो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय टू आ गया। तो इसको अंदर ले आए तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो वन माइनस टेंजेंट अल्फा बाय टू, टेंजेंट अल्फा बाय टू और वन, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। और फर्स्ट से और सेकंड से हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी, और ये हमारा जो क्वेश्चन था प्रूव करने का वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की मैट्रिसेस की एप्लीकेशन आई है हमारे पास। एक ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000, एक ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड में लगाना है, कितने रुपए इसको, रुपीज 30,000 को टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में लगाना है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, तो जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर उससे अर्न हो, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे रुपीज सॉरी पेज 7%, सेकेंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट पर ईयर पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमिन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस तरह से इनको डिवाइड करें टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, के जो इफ द ट्रस्ट फंड हैज ऑब्टेन्ड एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,800 एंड 2,000, इन मीन्स दो पार्ट्स पूछे गए हैं हमें, हमें क्या करना है कि 30,000 के को इन्वेस्ट करना है। अगर हम फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है उसमें एक्स रुपीज लगा दे तो सेकंड टाइप के बॉन्ड में जो कितने रहेंगे, जो बच गए वो सारे सेकंड टाइप, यानी कि 30,000 माइनस एक्स, ये हमारे सेकंड टाइप के बॉन्ड में लग जाए और उनपे इंटरेस्ट ये मिलता है। तो हमारे पास एक तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए होगी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, कि फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितने रुपए लगा दिए एक्स, और जो सेकंड टाइप के बॉन्ड है उसमें कितने लगा दिए 30,000 माइनस एक्स, और जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारी इंटरेस्ट की हुई, सेकंड मैट्रिक्स इज इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये हमारी इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स होगी और ये इंटरेस्ट या फिर कह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट टाइप के 5% 5% और ये 7%, इट मीन 5% का मतलब 5/100 और ये 7/100, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स की जब बी मैट्रिक्स के साथ रेट ऑफ
इन्वेस्टमेंट का जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला। तो हम ए की और बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स 30,000 माइनस एक्स और बी है हमारे पास 5/100 और ये 7/100। तो इस तरह से हमारे पास देखो ये 1x2 है और ये 2x1 है, ठीक है। नहीं जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 1x1 यानी कि एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा जो हमें मिला है। तो एक्स की जब इसके साथ करेंगे तो 5x/100 प्लस जब इसकी इसके साथ करेंगे 7/30,000 माइनस x/100। बस ये हमारे पास एक ही है। अब वो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 1,800 और ये हमारा क्या आया, इंटरेस्ट ही आया। दिस मीन्स 5x/100 प्लस 7x/30,000 माइनस x/100 दैट मस्ट बी इक्वल टू 1,800। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 5x प्लस इसकी मल्टीप्लाई की 2140 माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 1812344 आ जाएंगे हमारे पास। ये रह गया हमारे पास माइनस के 2x 1840 माइनस 2140, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस के रह जाएंगे 30,000। 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे 30,000 रह जाएंगे। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30,000/2 तो x इज इक्वल टू 15,000। तो जो फर्स्ट बॉन्ड है फर्स्ट में x कितने लगेंगे, 50,000 रुपीज, और जो सेकंड था वो था 30,000 माइनस x यानी कि 30,000 माइनस 15,000 तो ये भी कितने आ जाएंगे, 15,000। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई, दोनों ही बॉन्ड में 15,000 और 15,000 उसको लगाने होंगे। किस तरह का, जब उसको 1,800 इंटरेस्ट चाहिए। ठीक इसी तरह से हमारा जो बी पार्ट है, बी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, जस्ट इसको 108,000 की बजाय 1,800 की बजाय किसके साथ इक्वेट कर देना है, इसको 2,000 के साथ इसको। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक, 10 dozen केमिस्ट्री बुक, 8 dozen फिजिक्स बुक्स एंड 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक्स। बुक्स बताइए कितनी बुक्स है। द सेलिंग प्राइस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि प्राइस तो एक का बताया है और यहां गिवन डजन्स में है। उसके बाद फाइंड द टोटल अमाउंट द बुकशॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है कि इनको बेचने से कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमारे पास दो तरह से, एक तो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, क्या है उसको हम ए मान लेते हैं। डजन्स में 10 dozen तो 10 × 12, 8 dozen 8 × 12 और 10 × 12, तो जो हमारी प्रोडक्ट मैट्रिक्स हुई वही हुई 120, 96 और 120। यहां से ये हमारे पास क्या चीज है, ये केमिस्ट्री बुक्स है, ये फिजिक्स बुक्स है और ये इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट। अब उसके बाद दूसरी है प्राइस मैट्रिक्स, उसको हम मान लेते हैं बी। प्राइस कितना है, ₹80, ₹60 और ₹40। तो टोटल अमाउंट क्या
कैसे मिलेगा हमें टोटल अमाउंट, ए की और बी की मल्टीप्लाई कर दो, ए है हमारे पास 120, 96, 120 और बी है हमारे पास 80, 60 और 40, तो एक अमाउंट मिल जाएगा। ये 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1, ये इक्वल है तो 1 क्रॉस 1 हमारे पास एक अमाउंट मिल जाएगा। इसकी स्टार्ट करेंगे, इसकी जब इसके साथ करेंगे 0, 6, 5, 7, नेक्स्ट 4, 8, 0, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो 0, 6, 0 इससे हमें 6 मिल जाएगा, 15 और 8 मल्टीपल से 1, 2, 2, 6 और 5, 11 और ये 20, तो जो टोटल अमाउंट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा ₹20,160, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, 21 और 22 ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2×n, 3×k, 2×p, n×3 and p×k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. तो जो x मैट्रिक्स है, y है, z है, w है और p है, इनके ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर है हमारे पास 2×n, 3×k, 2×p, n×3 and p×k, ये ऑर्डर इनके गिवन है। अब 21 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड r। अब देखो p y और w y की प्लस तभी होगी जब p y डिफाइंड होगा और डब्ल्यू वाई डिफाइंड होगा और इन दोनों की जो ऑर्डर है वो भी सेम होगा तभी तो प्लस होगा। तो सबसे पहले P और Y को देखते हैं, P है हमारे पास P, यह P क्रॉस K और Y है हमारे पास Y इज 3×K, Y इज 3×K। अब देखो P की और Y की मल्टीप्लाई कब होगी जब पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम हो, तो यहां से तो इनकी मल्टीप्लाई तभी होगी जब k की वैल्यू किसके इक्वल हो 3 की, और जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टोटल मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी p×k, तो p×k ये हमें मैट्रिक्स मिलेगी टोटल, इसका तो हो गया। अब इसी तरह से w है हमारे पास n×3 और y हमारे पास फिर वही 3×k, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई देखनी पड़ेगी, इसकी कॉलम और इसकी रो, ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगी कोई नई कंडीशन की जरूरत नहीं है, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा n×k। अब देखो यहां से जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है उसका जो नई मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर आ रहा है p×k, और यहां से जो नई मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर आ रहा है n×k, तो इन दोनों की प्लस तभी हो सकती है जब ये दोनों ऑर्डर सेम हो, ये दोनों ऑर्डर समान कर लेते हैं दोनों ऑर्डर सेम हो। अब ये p×k है और ये n×k है, तो ये दोनों ऑर्डर सेम कब होंगे जब p की वैल्यू किसके इक्वल होगी n के, तो p मस्ट बी इक्वल टू n, तो एक तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 और एक p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए n, तो k की वैल्यू हमारे पास 3 और p मस्ट बी इक्वल टू n, फर्स्ट कंडीशन हमारी k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n, फर्स्ट ही हमारा आंसर है। तो दोनों कंडीशन हमारे k इज आर्बिट्ररी, कह रहा है k कोई आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, और दूसरा p की वैल्यू 2 है ये भी कोई बात नहीं बनी, यहां से k तो ठीक था लेकिन p आर्बिट्ररी, p कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, p को इक्वल होना पड़ेगा n के, जो n होगा वही p होगा, k इज इक्वल टू 2, k की तो वैल्यू 3 है हमारे पास, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है हमारे पास। ठीक इसी तरह से देखते हैं
इफ एन इज इक्वल टू पी, अगर एन पी के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x-5z। अब देखो 7 से x, x का ऑर्डर और z का ऑर्डर चेक करते हैं। x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। 7 से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो मैट्रिसेस का डिफरेंस कब होगा? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मींस ये जो 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p ऑर्डर है वो सेम होगा, 2 तो 2 का इक्वल है और n p के इक्वल होना चाहिए, जो कि उसने दे ही दिया है हमारे पास n इज इक्वल टू p। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ऑर्डर 2 क्रॉस n भी कह सकते हैं और 2 क्रॉस p भी कह सकते हैं, क्योंकि n और p तो इक्वल है। तो 2 क्रॉस n भी हो सकता है उसका ऑर्डर और 2 क्रॉस p भी हो सकता है, p क्रॉस 2 उल्टा नहीं हो सकता। 2 क्रॉस n ठीक है, n क्रॉस 3 नहीं हो सकता, p क्रॉस n बिल्कुल गलत बात। फर्स्ट तो 2 ही आएगा, सेकंड में 2 क्रॉस n भी हो सकता था और 2 क्रॉस p भी हो सकता था, इसके दो आंसर बनते हैं। यहां पे उसने 2 क्रॉस n वाला ऑप्शन लिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3। तो इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स अलजेब्रा का टॉपिक है जो कि कवर करता है एक्सरसाइज 3.2 को, वो हमने कंप्लीट कर लिया 3 पार्ट्स में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में भी हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही उसमें जो बेल आइकन है उसका को प्रेस कर दें ताकि